दोस्तों ये जान के बहुत ज़्यादा आपको हैरानी होगी कि हर एक मिनट में नेटफ्लिक्स के यूजर जो है 404,444 घंटे का जो है वीडियो स्ट्रीम कर रहे हैं। इसी तरह उसी हर एक मिनट में, मतलब जितने मिनट में जो है नेटफ्लिक्स पे यूजर हैं, उसी एक मिनट के अंदर अंदर 500 घंटे का वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है। तो ऐसे में आपके मन में ये क्यूरियोसिटी हो रहा होगा या इच्छा हो रही होगी जानने की कि एक मिनट में पूरे इंटरनेट पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे कितने डेटा क्रिएट किया जा रहा है। अगर व्हाट्सएप की बात करें तो कितने मैसेज शेयर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कितने यूजर जो है स्टोरी शेयर कर रहे हैं, ट्विटर पे कितने लोग आ रहे हैं, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग में कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जूम मीटिंग में कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना है तो वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। दोस्तों आज के डेट में डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और इसीलिए आप गौर कर रहे होंगे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो डेटा को कलेक्शन कर रही है और इसके बाद डेटा को प्रोसेस कर रही है, उस डेटा के आधार पर अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। और जितने भी ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, सोशल प्लेटफॉर्म है, चाहे इंटरटेनमेंट का हो या सोशल मीडिया का हो, ये सब डेटा को एनालाइज करने के बाद उस अनुसार से कॉन्टेंट प्रोड्यूस करते हैं और उसी कॉन्टेंट और कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके अनुसार से जो बड़े बड़े टॉप बिजनेसमैन हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ला रही है। इसीलिए आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप भी इंटरनेट के जो रियल फैक्ट है उसको समझे। और इसमें जो है बहुत सारे ऐसे एजेंसियां हैं जो रिपोर्ट निकाल करके लाती है और इसमें जो इस बार जो रिपोर्ट निकल के आया है उसके अनुसार से, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि नेटफ्लिक्स पे 404,444 जो है घंटे का वीडियो स्ट्रीम हो रहा है, 500 घंटे का जो है यूट्यूब वीडियो अपलोड हो रहा है। अगर बात करते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी की तो 347,222 स्टोरी जो है हर एक मिनट में शेयर किया जा रहा है। अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट टीम वाली तो उसमें 52,083 यूजर हर एक मिनट में कनेक्टेड हो रहे हैं। अगर बात करें अमेजन की, अमेजन प्रोडक्ट जो है शिप किया जाता है तो हर एक मिनट में अमेजन से 6,659 पैकेज जो है शिप किया जाता है। जूम मीटिंग की बात करें तो 208,383 पार्टिसिपेंट हर एक मिनट में मीटिंग में जो है ज्वाइन कर रहे हैं। जबकि अगर बात करें ट्विटर की तो हर एक मिनट में नए यूजर जो है 319 नए यूजर को ये ट्विटर ऐड कर रही है, मतलब नए यूजर गेन कर रही है। अब अगर व्हाट्सअप, जो कि सबसे मोस्ट पॉपुलर मैसेजिंग एप्लीकेशन है, इस पर आपको जानने की इच्छुक होगी कि मैसेज जो है हर एक मिनट में कितना मैसेज शेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो डेटा और रिपोर्ट निकल के आ रही है वो है दोस्तों 41.7 मिलियन मैसेज जो है हर एक मिनट में व्हाट्सएप पे शेयर किया जा रहा है। 41.7 का मतलब हो जाता है कि 4 करोड़ मैसेज जो है एक मिनट में शेयर किया जाता है पूरे ग्लोबल, मतलब पूरे इंटरनेट पे, मतलब पूरी दुनिया में। तो ये जो डेटा है ये बहुत ज़्यादा है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, जैसे गूगल पे कितने जो है यूजर सर्च कर रहे हैं, कितना डेटा प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद अगर बात करें कि यहाँ पे विकिपीडिया पे कितने लोग पढ़ रहे हैं, मतलब अगर डेटा रिपोर्ट निकाला जाए तो इसकी संख्या बढ़ जाएगी। ये मैंने जो मोस्ट पॉपुलर कंपनियां हैं जो कि सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड है या लेटेस्ट में नए नए में जो ट्रेंड चला है, जैसे कि जूम मीटिंग की, उसके बारे में मैंने रिपोर्ट बताया। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है वो स्टैटिस्टा के रिपोर्ट के अनुसार है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहा होगा कि आखिर इंटरनेट पर हो क्या रहा है। टेक्नोलॉजी फैक्ट्स के बारे में आपको समझना जरूरी हो जाता है, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया किधर शिफ्ट हो रही है और आपको अपने कैरियर के अनुसार और अपने लाइफ में जो है किस चीज़ को कितना वैल्यू देना है जिससे बैलेंस बना रहे हैं। दोस्तों तो ये था रिपोर्ट जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ आप लोग भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सा वेबसाइट सबसे ज़्यादा ब्राउज करते हैं या कौन सा सोशल मीडिया एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको काम का लगा हो तो लाइक तो करिएगा ही, साथ साथ दूसरे के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। एनीवे मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।